हेलो एवरीवन, आज हम आईआईटी जोधपुर के बारे में टोटल डिटेल्स जानेंगे, जिसमें हम यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन फैसिलिटीज, इवन यहाँ पे न्यू इंजीनियरिंग की ब्रांचेस स्टार्ट हुई है इसके बारे में भी जानेंगे। यानी कि अब गाइज यहाँ पे टोटल आपके लिए 8 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस होने वाली है। इसी के साथ हम यहाँ का जेई एडवांस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यहाँ की फीस एंड यहाँ के टोटल प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का यूनिक सेशन। व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट सुरेश चंद्रा। हमें सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि यहीं पे आपको मिलते हैं यूनिक एंड लेटेस्ट एजुकेशनल स्टफ। सो गाइस, आईआईटी जोधपुर की बात करें तो रिसर्च, इनोवेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटीज की वजह से आज ये आईआईटी ऑल ओवर इंडिया टॉप आईआईटीज में शुमार हो चुका है। इनफैक्ट कई अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ये ऑल ओवर इंडिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में भी शुमार हो जाएगा। सो गाइस, ऐसे क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको जेई एडवांस के कट ऑफ पता होने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कट ऑफ से, और कट ऑफ में हम सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंटीग्रेटेड चार्ट हमने आपके लिए दिया है। नेम ऑफ द कोर्स है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स है, चाहे आपका OBC हो, EWS, जनरल, SC, ST, ये सभी कैटेगरीज हमने यहाँ पे दिए हैं। फिर जेंडर और न्यूट्रल जो रहेगा उनका कट ऑफ क्या रहेगा, ये लास्ट ईयर के कट ऑफ एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने इसमें थोड़ा सा मिक्सअप किया है, ताकि आपको एक एवरेज आइडिया आ जाए कि कितने कट ऑफ पे आपको ये ब्रांच यहाँ पे मिल सकती है। इवन फीमेल्स के भी हमने लास्ट कॉलम में कट ऑफ दिए हैं, तो आपको इसे थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से देखना है। तो मान के चलिए अगर आप OBC कैंडिडेट हो और अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच चाहिए, तो आपका 1200 के अंडर का अगर कट ऑफ रहता है तो आपको ये ब्रांच मिलने की पूरी संभावना है। वहीं SC ST कैंडिडेट्स की भी अगर हम बात करें, तो अगर आपका 800 टू 500 के अंडर का अगर रैंक रहता है तो आपको ये ब्रांच मिलने की पूरी संभावना रहेगी। फिर नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है गाइज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर से सेम चार्ट रहेगा। इसमें भी हमने दिए हैं कट ऑफ, जैसे जनरल कैंडिडेट्स का कट ऑफ यहाँ पे अगर आपका 6000 के अंडर का रैंक आता है जेई एडवांस का, तो आपको ये ब्रांच ज़रूर मिलेगी। अब नेक्स्ट ब्रांच हम देखते हैं। अब थोड़ा सा सेशन हम फास्ट करेंगे गाइस, क्योंकि 8 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं यहाँ पे, तो सेशन भी लंबा ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट इंजीनियरिंग की ब्रांच देखते हैं, वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये भी अपने आप में काफ़ी डिमांड में है। मान के चलिए आप जनरल फीमेल कैंडिडेट हो तो आपका रैंक 15000 के अंडर होना चाहिए, तभी आपको ये ब्रांच मिल सकती है। बाकी लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे बायो इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बायो इंजीनियरिंग ये जो ब्रांच है, ये काफ़ी फेमस ब्रांच है आईआईटी जोधपुर में। इनफैक्ट अगर हम सभी आईआईटीज की भी अगर बात करें, तो आईआईटी जोधपुर ही एकलौता ऐसा आईआईटी है जहाँ पे बायो इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना एनी टाइम कन्वीनियंट साबित होगा आपके लिए। इस ब्रांच का प्लेसमेंट स्टेटस भी देखे गाइस, तो नो डाउट 100% यहाँ का प्लेसमेंट हुआ है। अब एंड में हम प्लेसमेंट स्टेटस में आपको बताने वाले हैं। अब नेक्स्ट ब्रांच हम देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। काफ़ी कम आईआईटीज में ये ब्रांच है, मैं अभी आपको बता दूं, और इस ब्रांच के लिए काफ़ी झगड़े भी चलते हैं स्टूडेंट्स में, यानी कि इसका कट ऑफ भी हाई जाता है जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपका 400 के अंडर का अगर रैंक हो गाइस, तभी आपको ये ब्रांच मिलने की संभावनाएं है, और फीमेल का 1000 के अंडर का रैंक है तो आपको ये मिलेगा। तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि कट ऑफ से कि कितना हाई डिमांडिंग ब्रांच ये चल रहा है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं गाइस कि ये हाल ही में शुरू हुई ब्रांचेस में से एक ब्रांच है, यानी कि यहाँ पे टोटल 4 ब्रांचेस शुरू हुई थी हाल ही में, तो उन्हीं में से ये भी ब्रांच है। तो जाहिर सी बात है डिमांड काफ़ी हाई रहने वाला है, इसका आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट इंजीनियरिंग की ब्रांच है हमारे पास मटेरियल इंजीनियरिंग, ये भी स्टार्ट हुआ है नया नया, तो यहाँ भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो 9000 के अंडर अगर आपका रैंक है और मेल कैंडिडेट हो तो आपको ये ब्रांच मिल सकता है। वहीं फीमेल का 14000 के अंडर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिलने की पूरी संभावना है। अब नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी अगर आप जनरल टाइप के कैंडिडेट हो और मेल कैंडिडेट हो तो 11000 के अंडर का अगर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल सकता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स का इसमें 17000 के अंडर का रैंक है
तो आपको ये ब्रांच मिल सकता है। हालांकि फीमेल्स में केमिकल इंजीनियरिंग काफ़ी फेमस ब्रांच चलती है, इवन IIT जोधपुर में भी ये ब्रांच काफ़ी फेमस है। प्लेसमेंट के वक्त मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस बारे में। अब नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। तो सिविल में अगर आप EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हो तो 900 के अंडर का अगर आपका कट ऑफ है तो आपको ये ब्रांच मिलेगा। जनरल कैंडिडेट का 12,000 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको मिलेगा। वहीं ST कैंडिडेट्स का अगर 1400 के अंडर का रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। सो गाइस, ऐसे यहाँ पे टोटली 8 इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हो गए हैं। तो अब बारी है फीस स्ट्रक्चर को जानने की। तो फीस को लेके सभी IITs NITs की पॉलिसीज एक ही रहती है, जैसे कि जिन स्टूडेंट्स के फैमिली ईयरली इनकम 1 लाख के अंडर है तो उनका फी स्ट्रक्चर 0 रहेगा। वहीं SC ST फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट है इन सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं तो उनका भी ट्यूशन फी स्ट्रक्चर 0 रहेगा। और जिन स्टूडेंट्स का ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख टू 5 लाख रुपीज़ है तो उनका फी स्ट्रक्चर जनरली 33,000 to 35,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर के आसपास रहेगा। और जिन स्टूडेंट्स का ईयरली पैरेंटल इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज़ है तो उनको यहाँ पे फुल फ़ी पे करनी पड़ेगी, यानी कि 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पे ट्यूशन फी रहेगा। वहीं जो ओपन कैंडिडेट्स इस कैटेगरी से है या फिर जनरल कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे फुल फ़ी पे करना पड़ेगा। अब इसमें हॉस्टल एंड मेस फी की अगर बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको नियर अबाउट 25,000 to 30,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर का हॉस्टल या फिर मेस फी भी यहाँ पे करना पड़ सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ये फीस स्ट्रक्चर ईयरली रिवाइज होते हैं यानी कि चेंज होते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइज, अब बारी है मोस्ट अवेटेड सेक्शन की यानी कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक जानने की। तो यहाँ पे इस बार मोर देन 150 नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, जिन्होंने 290 प्लस ऑफर्स दिए हैं। और यहाँ पे प्री प्लेसमेंट ऑफर की अगर हम बात करें तो 30 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल चुके हैं। अभी तक का यहाँ का हाईएस्ट सैलरी इस ईयर का 61 लाख रुपीस पर एनम का गया है। एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो 20.3 लाख पर एनम का गया है। अब स्टार इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात करें यानी कि सबसे बेहतर इंजीनियरिंग की ब्रांचेस जो इस बार साबित हुई है वो है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड बायो इंजीनियरिंग। यानी कि गाइज, इस ब्रांचेस के सभी स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 100% प्लेसमेंट इस ब्रांच का हो चुका है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एवरेज या फिर मीडियम सैलरी की अगर हम बात करें तो 28 लाख रुपीज़ का रहा है। ओवरऑल भी अगर हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं IIT जोधपुर का तो 97.18% का यहाँ पे ओवरऑल प्लेसमेंट रहा है। सो गाइस, फ्यूचर में IIT जोधपुर को लेके और भी कई सारी डिटेल्स आने वाली है, इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, इवन बेल आइकन भी दबा के रखिए। तो आज बस यहीं पे रुकते हैं गाइज, आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशन स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।